दरिया दौलत बाग में। ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ बॉटनिकल गार्डन वाला फीलिंग आ रही है। चारों तरफ आप शोर सुन सकते हो ना, ऑल आर बर्ड्स यहाँ पे एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहे हैं, और इवनिंग के टाइम है सारे बर्ड्स, इट साउंड्स गुड। सो अभी अंदर जाते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे ऊट से ये पैलेस बना गया है, और आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ढका हुआ है पूरा पैलेस। तो ये मैसूर का सिर्फ एक पैलेस है और उसके ऊपर से हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे जा भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि वो इनएक्सेसिबल है और जो स्टेयर्स का प्रोविजन था वो पूरा तोड़ दिया गया। हाँ, वो काफी मतलब बाहर की तरफ से काफी मेंटेन्ड है, इतने साल के बाद भी वेल्ड सिक्योरिटी गार्ड बहुत मतलब सिक्योर रखे, पर स्टिल इट इज नॉट सेफ टू गो अपस्टेयर्स। सो सही था। सो हमारे टीपू जी बहुत ज्यादा रिच होंगे उस जमाने पे, कि सिल्क पहनते थे और मैसूर में एक पैलेस भी बना लिया खुद से, और इतना ज्यादा प्रॉपर्टी बना लिया अपना जो कि सुंदर है। और ये ट्री देखिए गाइस, कितना बड़ा है ये ट्री, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, छोटे छोटे पता नहीं कैशू नहीं होती है पेड़ में, मतलब आगे जाके एक ब्राउन हो जाती है, कैशू जैसा लग रहा है मुझे। जो भी है, शायद ये भी ट्री थी टीपू जी ने पौधा लगाया था, आज इतना बड़ा मेहनत का फल दिया है। काफी पुराना है, पर पेंटिंग आप देख सकते हो, जो लोग पेंटिंग के बहुत ज्यादा शौकीन है। आप लोग देख सकते हो टीपू सुल्तान के जमाने में ये सारे तलवार है। सो लुक एट दिस हैंडल्स, तलवार पकड़ने वाले, मतलब ऐसा नहीं लगता कि सारे छोटे छोटे हाथ वाले थे तब के उन जमाने में। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, यहाँ से कैनन बॉल फेंकते थे। कहाँ पे फेंकते थे? टीपू सुल्तान के कोई दुश्मन को, दुश्मन के घर शायद उस पार थे, तो ये कैनन बॉल यहाँ से इस मिसाइल से जाके उस पार जाते थे। पर मिसाइल काफी छोटा नहीं हो गया इस कैनन के साइज से, कैनन बॉल के साइज से? फिजिकल ट्रेनिंग का जो एक्सरसाइज होता है वो बीट पे, ड्रम बजता है वो बीट पे, आई थिंक ये लाइट एंड वाटर शो होता है, तो अभी 10 मिनट का ब्रेक है। हां, ड्रम होता है ना, तो वही ड्रम के बीट में लाइट शो हो रहा था, तो मेरा बोलने का मतलब था। तो अभी 10 मिनट का ब्रेक है और हम लोग जमीन पे बैठ गए क्योंकि हम लोगों का पैर बहुत दर्द कर रहा है, और ये हमारा पैर गिव अप कर दिया, और वॉक करके आना पड़ता है एक ब्रिज के ऊपर से। तो ये कनेक्टर है जो मेन गार्डन है, और यहाँ पे जो लाइट शो हो रहा है वहाँ का, तो आप लोगों को अभी दिखाएंगे जब ये स्टार्ट होगा, ये लाइट शो आप लोगों को अभी दिखाएंगे। पीछे पूरा गैलरी जैसा है, उसका भी शॉट आपको दिखाएंगे। तो पीछे का गैलरी इतना क्राउडेड है कि मतलब बैठने का नहीं, सिर्फ खड़े होने का भी जगह नहीं है वहाँ पर, और COVID-19 प्रोटोकॉल हार्डली कोई यहाँ पे फॉलो कर रहा है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, हाफ मास्क पहन के घूम रहे हैं,
तो पीछे का क्राउड अवॉइड करना ही सही है। और हम लोग अभी ज़मीन पर बैठ गए हैं और वेट कर रहे हैं लाइट शो का। लाइट शो जब आते हैं तब आपको दिखाते हैं। करते हैं हम लोग अभी फिशलैंड में है, होटल फिशलैंड। यहाँ पे आके हम लोग अभी डिनर करेंगे, थोड़ा डिनर करने के बाद अभी होटल जाएंगे। जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, पूरा एग्जॉस्टेड है। और हम लोगों ने कुछ यहाँ से फिश लिया, कोस्टल फिश, और अभी देखते हैं खाना कैसा होता है। तो सी यू गाइस लेटर।